हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है बीकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकर अ लिक्विड मेजरिंग कंटेनर, यानी कि ये एक लिक्विड मेजर करने का एक कंटेनर है। इट हेल्प्स अस मेजर डिफरेंट लिक्विड्स। वी डू इट बाय पोरिंग लिक्विड इनटू द कंटेनर एंड लुकिंग एट व्हाट इट मेजर्स बाय लुकिंग एट द नंबर्स। यानी कि हम इसमें लिक्विड मेजर करते हैं कि लिक्विड कितना है। यानी कि हम इसमें कोई भी लिक्विड, मान लो आपने पानी डाल दिया इसमें, और बीकर में कुछ मार्क्स बने होते हैं कुछ नंबर से, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कोई भी लिक्विड है। लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड इट्स यूजेस। बीकर्स आर यूजफुल एज अ रिएक्शन कंटेनर और टू होल्ड लिक्विड और सॉलिड सैम्पल्स। यानी बीकर को अपन कोई भी रिएक्शन, मान लो आपने एक बीकर में जिंक और क्लोरीन डाल दिया, तो जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं उसको, रिएक्शन करने के लिए, या तो फिर लिक्विड या कोई भी सॉलिड सैंपल को होल्ड करके रखने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कैच लिक्विड्स फ्रॉम टाइट्रेशन एंड फिल्ट्रेट्स फ्रॉम फिल्टरिंग ऑपरेशंस। यानी कि जब टाइट्रेशन होता है, जब आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th में, या अगर आप अभी 12th में नहीं है तो आप 12th में पढ़ेंगे, टाइट्रेशन होता है मोहर सॉल्ट का, तो वो टाइट्रेशन को अपन, मतलब टाइट्रेशन को कैच करने के लिए यहाँ उसको यूज़ किया जाता है। जो टाइट्रेशन, जो लिक्विड निकलता है, तो वो सीधा बीकर में आता है। नीचे अपन बीकर रखते हैं, तो टाइट्रेशन का जो भी लिक्विड है वो सब बीकर में होल्ड होकर रहता है। या फिर कोई भी फिल्टरिंग ऑपरेशन है, कोई भी, जैसे आप वाटर प्योरीफाई, वाटर फिल्टर कर रहे हो, तो उसमें जो भी फिल्टरिंग वाटर है वो सब बीकर में आके होल्ड हो जाएगा। तो इसके ये सब यूजेस हैं। आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा, आपको टोन समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टर्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।